क्वेश्चन हमारा ये करेगा, एक दुकानदार है जो कि 20 किलो चीनी खरीदता है कैसे, 45 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, 25 किलो चीनी खरीदता है कैसे, 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और 35 किलो चीनी खरीदता है 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और अन्य विभिन्न प्रकार अन्य परिवहन पर खर्च करता है 450 रुपये, और टोटल जो तीनों किस्म की जो चीनी है उसको बेचता है 52 रुपये 50 पैसे प्रति केजी के हिसाब से, बताना है कि पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है। तो 20 किलो चीनी 45 के दर से खरीदता है तो टोटल 900 रुपये हो जाएंगे, 25 किलो चीनी 50 के तो ये हो जाएगा 1250 रुपये, और 35 किलो चीनी 40 के हिसाब से तो ये हो जाएगा 1400 रुपये। टोटल इन एडिशनल जो खर्चा है उसका 450 रुपये, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 4000 रुपये जाएगा। कितने पर, 20 किलो है और यहाँ पर 25 किलो है और यहाँ पर 35 किलो है, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 80 किलो पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 किलो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से ये टोटल चीज़ें खरीद रहा है, और इसको बेच कैसे रहा है, 52 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो यहाँ पर 2.50 यानी कि 2.5 रुपये के यहाँ पर मुनाफा कमा रहा है। कितने पर, 2.5 रुपये का मुनाफा कमा रहा है, तो ये आपका कमा रहा है 80 50 पर, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 50 है, 50 पर कमा रहे हैं, और इनको 100 100 100 कट जाएगा पॉइंट के, और यहाँ से ये 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 5% का वो लाभ कमा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।